अब हम बीकॉम पार्ट 3 के पेपर बीमा के मूल आधार के शेष सिद्धांतों पर इस अंतिम अंक में चर्चा करेंगे। नंबर 1 है प्रतिस्थापना व स्थानांतरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसके अनुसार बीमाकर्ता द्वारा बीमित की क्षतिपूर्ति कर देने के बाद बीमित की तृतीय पक्षकारों के विरुद्ध सभी अधिकार बीमाकर्ता को हस्तांतरित हो जाते हैं, अर्थात क्षतिपूर्ति कर देने के बाद बीमाकर्ता तृतीय पक्षकारों के विरुद्ध बीमित की स्थिति में आ जाता है। फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट मुंबई के अनुसार प्रतिस्थापना बीमित के अधिकारों और उपचारों का उस बीमाकर्ता को हस्तांतरण है जिसने बीमित की हानिपूर्ति की है, अर्थात बीमित की क्षतिपूर्ति करने से पूर्व बीमाकर्ता को तृतीय पक्षकारों के विरुद्ध अधिकार प्राप्त नहीं होते। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि यदि बीमित ने बीमा नहीं कराया होता तो वह क्षति पहुँचाने वाले पक्षकार से क्षतिपूर्ति करवा सकता था, किंतु जब बीमित ने बीमा करवा लिया है तो वह बीमाकर्ता से ही क्षतिपूर्ति मांगता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि क्षति पहुँचाने वाले पक्षकार का कोई दायित्व नहीं है, इसका दायित्व यथावत है। क्योंकि बीमित को क्षतिपूर्ति मिल चुकी है अतः वह तो तृतीय पक्षकार के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है, पर बीमाकर्ता अपनी क्षतिपूर्ति की भरपाई के लिए तृतीय पक्षकार के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने का अधिकार इस सिद्धांत के कारण प्राप्त कर लेता है। प्रतिस्थापना का सिद्धांत सिर्फ क्षतिपूर्ति अनुबंधों में लागू होता है, जैसे एक ट्रक चालक द्वारा लापरवाही से ट्रक चलाने के कारण अमित की बीमाकृत कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। बीमाकर्ता अमित को क्षतिपूर्ति करने के बाद ट्रक चालक के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का वाद प्रस्तुत कर सकेगा। सेकंड, एक सेवायोजक अपने कर्मचारी मुकेश की विश्वसनीयता का बीमा करवाता है, मुकेश गबन करके भाग जाता है, बीमा कंपनी सेवायोजक की क्षतिपूर्ति कर मुकेश के विरुद्ध सभी अधिकार प्राप्त कर लेंगे। इस सिद्धांत का महत्व, यह सिद्धांत बीमा के मूल तत्वों को सुरक्षित रखने में तो योगदान देता है। यदि बीमाकर्ता को प्रतिस्थापना का अधिकार नहीं होगा तो इसके दो दुष्परिणाम होंगे। नंबर 1, बीमित व्यक्ति बीमाकर्ता के साथ साथ हानि के लिए उत्तरदायी पक्षकार से भी क्षतिपूर्ति प्राप्त कर लेगा, इस प्रकार वह लाभ कमा लेगा, जबकि लाभ कमाना क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के विपरीत है और इससे बीमा की प्रकृति चूहे के समान हो जाएगी। यदि बीमित दोषी तृतीय पक्षकार से क्षतिपूर्ति नहीं करवा सकता तो एक अन्य दोष ये होगा कि दोषी तृतीय पक्षकार अपने दायित्व से बच जाएगा। प्रतिस्थापना के सिद्धांत की शर्त, प्रतिस्थापना का सिद्धांत स्वतः लागू होता है, इसके लिए बीमा अनुबंध में किसी शर्त का होना आवश्यक नहीं है। यह सिद्धांत केवल क्षतिपूर्ति अनुबंधों पर लागू होता है। सामान्यतः यह सिद्धांत तभी लागू होता है जब उसने बीमित की क्षतिपूर्ति कर दी हो। स्पष्ट शर्त की दशा में बीमाकर्ता क्षतिपूर्ति से पूर्व भी इस सिद्धांत का उपयोग कर सकता है। बीमाकर्ता को इस अधिकार का प्रयोग करने के लिए बीमित के नाम का ही उपयोग करना पड़ेगा। बीमाकर्ता इस अधिकार का प्रयोग कर उस सीमा तक ही क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है जिस सीमा तक उसने बीमित की क्षतिपूर्ति की है। जब बीमित को क्षतिग्रस्त वस्तु के संपूर्ण मूल्य की क्षतिपूर्ति कर दी जाती है तो क्षतिग्रस्त वस्तु पर बीमाकर्ता का अधिकार हो जाता है। बीमाकर्ता किसी भी स्थिति में बीमित के अधिकारों से अधिक प्राप्त धन नहीं कर सकता। यदि बीमाकर्ता तभी पक्षकार से किन्हीं कारणों से बीमित को दी गई राशि क्षतिपूर्ति से अधिक वसूल कर लेता है तो क्षतिपूर्ति की राशि से अधिक वसूल की गई राशि पर बीमित का अधिकार होगा। यदि बीमाकर्ता ने बीमित के दावे में से अधिक के बाद एक्सेस क्लॉज के अंतर्गत कटौती करके क्षतिपूर्ति की है किंतु बीमाकर्ता ने तृतीय पक्षकार से पूर्ण क्षतिपूर्ति प्राप्त कर ली है तो बीमित में कटौती की राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा। प्रतिस्थापना का अधिकार तभी प्राप्त होता है जबकि क्षतिपूर्ति वैधानिक दायित्व के अंतर्गत की गई हो। यदि बीमाकर्ता ने शिष्टाचार के नाते क्षतिपूर्ति की है तो वह तृतीय पक्षकार से पूर्ण क्षतिपूर्ति वसूल नहीं कर सकता है। लास्ट है, बीमाकर्ता आपसी अनुबंध के आधार पर प्रतिस्थापना के अधिकार को त्याग भी सकता है। अगला प्रिंसिपल है अंशदान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। यह सिद्धांत जीवन बीमा को छोड़कर सभी बीमों में लागू होता है। अंशदान का सिद्धांत यह बताता है कि यदि कोई बीमित किसी एक ही वस्तु का बीमा दो या दो से अधिक बीमाकर्ताओं से करवा लेता है तो जब भी बीमा की विषय वस्तु क्षतिग्रस्त होगी तो क्षतिपूर्ति का दायित्व सभी बीमाकर्ताओं पर
इनके द्वारा किए गए बीमा राशि के अनुपात में होगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि बीमित सभी बीमाकर्ताओं से उसके द्वारा जारी किए गए बीमा पत्रों की राशि के अनुपात में क्षतिपूर्ति करे। बीमित चाहे तो किसी एक बीमाकर्ता से क्षतिपूर्ति करवा सकता है। ऐसा होने पर उस बीमाकर्ता को अन्य बीमाकर्ताओं से आनुपातिक हिस्से की राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा। फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट बम्बई के अनुसार अंशदान उस बीमाकर्ता का जिसने किसी बीमा पत्र के अंतर्गत हानि का भुगतान किया है को वह अधिकार है जिसके द्वारा वह हानि के लिए उत्तरदायी अन्य बीमाकर्ताओं से आनुपातिक राशि प्राप्त कर सकता है। ये सिद्धांत क्षतिपूर्ति के सिद्धांत को क्रियान्वित करने में सहायता करता है। यदि ये सिद्धांत ना हो तो अलग अलग बीमाकर्ताओं से बीमित अलग अलग क्षतिपूर्ति करवा लेगा जो क्षति की राशि से निश्चय ही ज़्यादा होगी। इस प्रकार बीमित लाभ कमानेगा। ये सिद्धांत इस प्रकृति को रोकता है। सिद्धांत की आवश्यक बात है, बीमित व्यक्ति एक ही होना चाहिए। सभी बीमा पत्रों की विषय वस्तु समान होनी चाहिए। सभी बीमा पत्रों में बीमा योग्यता भी होना चाहिए। सभी बीमा पत्रों के अंतर्गत क्षति के कारणों में वह कारण हो या जो बीमा जो जोखिम अवश्य बीमाकृत होनी चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप हानि हुई है। यह क्षति बीमा पत्रों की अवधि में ही होनी चाहिए। क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंधों में ही अंशदान का सिद्धांत लागू होता है, जीवन बीमा में नहीं। बीमा पत्र वैधानिक रूप से प्रवर्तनीय होने चाहिए। अंशदान का सिद्धांत दोहरा बीमा पुनर्बीमा पर भी लागू होता है। अंशदान की गणना का ये सूत्र है, अंशदान इज इक्वल टू किसी एक बीमाकर्ता द्वारा बीमित राशि अपॉन कुल बीमित राशि इनटू कुल हानि। कुछ उदाहरण, रमेश ने अपने माल गोदाम का ABC कंपनी से क्रमशः 50,000, 1,00,000 और 1.5 लाख रुपये का बीमा करवाया। उसे 60,000 रुपये की हानि हुई। तीनों कंपनियों का दायित्व इस प्रकार होगा, ए कंपनी का दायित्व 50,000 अपॉन 3,00,000 इंटू 6,00,000 रुपये बराबर 10,000 रुपये। बी कंपनी का दायित्व 1,00,000 अपॉन 3,00,000 इंटू 6,00,000 2,00,000 रुपये 20,000 रुपये। और सी कंपनी का दायित्व 1,50,000 रुपये अपॉन 3,00,000 रुपये इंटू 60,000 बराबर 30,000 रुपये। यदि रमेश बी कंपनी से संपूर्ण क्षतिपूर्ति करवा लेता है तो बी कंपनी को ए उस कंपनी से 10,000 और सी कंपनी से 20,000 रुपये अंशदान वसूल करने का अधिकार होगा। अगला सिद्धांत है क्षति के अल्पीकरण का सिद्धांत। ये सिद्धांत अग्नि और सामग्री बीमा अनुबंधों पर लागू होता है। ये सिद्धांत यह बताता है कि बीमा की विषय वस्तु के क्षतिग्रस्त होने पर बीमित का ये कर्तव्य है कि वह बीमा की विषय वस्तु की सुरक्षा के लिए वे सभी साधारण प्रयास करें। जो भी बीमा न होने की दशा में एक साधारण बुद्धि का मनुष्य अपने माल की सुरक्षा के लिए करता है। जब बीमित अपने माल की सुरक्षा के लिए ऐसा प्रयास नहीं करता है और उसकी लापरवाही के कारण नुकसान होता है तो बीमित बीमाकर्ता को क्षतिपूर्ति के लिए बातें नहीं कर सकता है। किंतु बीमित से अपनी जान जोखिम में डालकर विषय वस्तु की सुरक्षा की अपेक्षा व्यर्थ हो। अगला प्रिंसिपल है निकटतम कारण का सिद्धांत। बीमा की विषय वस्तु को जिन कारणों से क्षति हो सकती है उन्हें हम मोटे तौर पर दो भागों में बांट सकते हैं। पहले हैं बीमाकृत कारण इंश्योर्ड पैरल्स और दूसरे हैं अन्य कारण एक्सक्लूडेड पैरल्स। पहला है बीमाकृत कारण, वे कारण जिनसे सुरक्षा पाने के लिए बीमा करवाया गया है बीमाकृत कारण कहलाते हैं। इन कारणों से बीमाकृत अवधि में बीमा की विषय वस्तु को कोई क्षति पहुँचती है तो बीमाकर्ता को उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अन्य कारण, बीमाकृत कारणों के अतिरिक्त सभी कारण अन्य कारणों की श्रेणी में आते हैं। अन्य कारणों से उत्पन्न होने वाली हानियों के लिए बीमाकर्ता को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। जब बीमा की विषय वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से बीमाकृत कारणों से क्षति होती है तो बीमाकर्ता को उत्तरदायी ठहराना कठिन नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में कोई विवाद उत्पन्न नहीं होता। किंतु यदि क्षति बीमाकृत कारणों और अन्य कारणों के सम्मिलित प्रभाव से होती है या एक के बाद एक दोनों कारणों के घटित होने से होती है तो ऐसी दिशा में बीमाकर्ता को उत्तरदायी ठहराना कठिन हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में ये देखना आवश्यक होता है कि इन कारणों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभावशाली शक्तिशाली कारण कौन सा है। ऐसे कारण को ही क्षति का निकटतम कारण कहते हैं। जिन कारणों का क्षति होने में प्रभाव नहीं होता उन्हें दूरगामी प्रभाव वाले कारण कहते हैं।
निकटतम कारण का सिद्धांत ये बताता है कि बीमाकर्ता के दायित्व का निर्धारण में क्षति के निकटतम कारणों पर ही ध्यान दिया जाना चाहिए, न कि दूरगामी कारणों पर। उल्लेखनीय है कि कारणों के कारण कॉज ऑफ कॉजेस से कानून का कोई संबंध नहीं है। यहाँ हमें निकटतम कारण को भी समझ लेना चाहिए। प्रीवी काउंसिल ने अपने निर्णय में इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि निकटतम कारण से आशय एक ऐसे कार्यशील व प्रभावपूर्ण कारण से होता है जो उन घटनाओं की श्रृंखला को गति प्रदान करता है जो किसी नए और स्वतंत्र स्रोत से प्रारंभ होकर बिना किसी हस्तक्षेप के दक्षतापूर्ण कार्य करते हुए परिणाम उत्पन्न करता है। निम्न कुछ उदाहरणों से निकटतम कारण को हम समझते हैं। राम अपना व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा करवाता है। एक दिन वह शिकार पर जाता है जहाँ वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। भय और कमजोरी के चलते वह हिलजुल नहीं पाता, वहाँ गीली जमीन पर पड़ा रहता है। इससे उसे जुकाम हो जाता है, आगे चलकर निमोनिया हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ मृत्यु का निकटतम कारण दुर्घटना है, न कि निमोनिया। निमोनिया दूरगामी कारण है, अतः व्यक्ति को दुर्घटना बीमा में बीमाकर्ता उत्तरदायी होगा। श्याम अपना व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा करवाता है। यह किसी दुर्घटना से चोटग्रस्त होकर अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, वहाँ इलाज के दौरान उसे छूत की बीमारी हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ मृत्यु का कारण छूत की बीमारी है, न कि दुर्घटना। अतः व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा में बीमाकर्ता उत्तरदायी नहीं होगा। हरी के मकान में आग लग जाने के कारण उसकी एक दीवार खतरनाक स्थिति में पहुंच जाती है। नगर पालिका जनता की सुरक्षा की दृष्टि से उस दीवार को गिराने का आदेश दे देती है। दीवार गिराने की प्रक्रिया में पड़ोस के भोपाल के मकान पर गिर जाती है और उसे नुकसान होता है। भोपाल अग्नि बीमा पत्र में क्षतिपूर्ति की मांग करता है। यह सही है क्योंकि यह क्षति का कारण अग्नि ही है। एक जहाज मुंबई से न्यूयॉर्क के लिए चीनी लेकर रवाना होता है। इसका चीनी का सामुद्रिक बीमा करवाया जाता है। जहाज के पैदे में समुद्री जीव जंतुओं ने छेद कर दिया, परिणाम से उस जहाज में पानी आने से चीनी घुलकर बहने लगी। यहाँ आने के दो कारण, सामुद्रिक जीव जंतुओं से होने वाली हानि बीमा के कारणों से होने वाली हानि नहीं है। वह स्पष्ट है कि सामुद्रिक जीव जंतुओं द्वारा जहाज में छेद कर देने से चीनी को क्षति नहीं पहुँच सकती। पानी चीनी को क्षति छेद से पानी जहाज में घुस जाने के कारण भी है। यह हानि का निकटतम कारण पानी जो सामुद्रिक बीमा में बीमाकृत कारणों में से एक है, अतः क्षतिपूर्ति का दायित्व होगा। निकटतम कारण का निर्धारण, यदि किसी हानि के पीछे कोई एक ही कारण है तो वही निकटतम कारण होगा। यदि वह निकटतम कारण बीमाकृत कारणों में से एक है तो क्षतिपूर्ति का दायित्व होगा। जैसे मकान का अग्नि बीमा करवाया और आग लगने से क्षति हुई तो क्षतिपूर्ति करनी होगी। यदि किसी हानि के पीछे अनेक समवर्ति कंकरेंट कारण एक साथ कार्य कर रहे हैं और वे बीमाकृत कारणों के बाहर नहीं हैं तो उन कारणों से होने वाली क्षति के लिए बीमाकर्ता उत्तरदायी होगा। जैसे कमजोर दिल का व्यक्ति दिल की बीमारी का रोगी है, उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। या मृत्यु का निकटतम कारण दुर्घटना है। यद्यपि मजबूत दिल का व्यक्ति शायद बच जाता, फिर भी जीवन बीमा निगम में बीमाकर्ता क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा। यदि कोई हानि बीमाकृत कारणों और अन्य कारणों के प्रभावपूर्ण होने से पैदा होती है तो बीमाकर्ता का दायित्व नहीं होगा। जैसे एक व्यक्ति अपने घर के सामान की चोरी का बीमा करवाता है जिसमें दंगों में माल चोरी होने का को बाहर रखा जाता है। शहर में दंगे होने पर माल का नुकसान होने पर बीमाकर्ता उत्तरदायी नहीं होगा। यदि कोई हानि बीमाकृत कारणों और अन्य कारणों दोनों के प्रभाव से उत्पन्न होती है किंतु दोनों कारणों से उत्पन्न क्षति को पृथक पृथक किया जा सकता है तो सिर्फ बीमाकृत कारण से हुई क्षति के लिए बीमाकर्ता उत्तरदायी होगा। यदि कोई हानि एक के बाद एक अनेक कारणों से के प्रभाव से उत्पन्न होती है और मूल कारण बीमाकृत कारणों में से एक है तो बीमाकर्ता का दायित्व होगा। जैसे एक जहाज के एक ही भाग में कुछ खालें हाइट्स व तंबाकू भर दी गई, तूफानी मौसम के कारण जहाज के उस भाग में पानी आ गया, खालें खराब हो गई। उन खालों की गंध से पास पड़ी तंबाकू नष्ट हो गई। यहाँ माना गया कि खालों और तंबाकू के नष्ट होने का कारण पानी है और पानी बीमाकृत कारणों में एक होने के कारण बीमाकर्ता उत्तरदायी होगा। यदि किसी हानि के पीछे अबीमाकृत कारणों की श्रृंखला काम कर रही है तो बीमाकर्ता उत्तरदायी नहीं होगा। जैसे भूकंप आने से आग लग जाना और उस आग से संपत्तियां नष्ट हो जाना, ऐसी अग्नि से हुई क्षति के लिए बीमाकर्ता उत्तरदायी नहीं होता है। यदि किसी घटना के कारणों की श्रृंखला किसी नए और स्वतंत्र कारण के उत्पन्न होने से
टूट जाती है तो बीमाकर्ता तभी उत्तरदायी होगा जबकि वो नया कारण बीमाकृत कारणों में शामिल, जैसे किसी मकान में आग लग जाती है, लोगों को संदेह है कि आग पास वाली दुकान के कारण लगी है, लोगों की भीड़ इस दुकान के कांच की खिड़कियाँ तोड़ देती है, यहाँ घटना का मूल कारण आग है पर निकटतम कारण वह नहीं है, भीड़ की हिंसा निकटतम कारण है, अतः अग्नि बीमा पत्र में क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी। खिड़कियों के कांच का बीमा होने पर ही बीमा पत्र के अधीन क्षतिपूर्ति संभव है। सिद्ध करने का भार, पानी के कारणों को सिद्ध करने का भार परिस्थितियों के अनुसार बीमाकर्ता और बीमितानों में से किसी एक का होगा। इस बारे में निम्न नियम है। हानि होने की दिशा में बीमित को सिद्ध करना पड़ता है कि हानि बीमाकृत कारणों से हुई है। यदि बीमाकर्ता कहता है कि क्षति अबीमाकृत कारणों से हुई है तो यह बीमाकर्ता को सिद्ध करना पड़ेगा। कई बीमा पत्रों की शर्तों के अनुसार कुछ कारणों से होने वाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हानि को बीमा पत्र के क्षेत्र से बाहर रखा जाता है। ऐसी स्थिति में यदि हानि ऐसे किसी बाहर रखे कारण से हो जाती है तो बीमाकर्ता उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे उस हानि के पीछे और कोई बीमाकृत कारण ही क्यों ना मौजूद हो। बीमित को ही यह सिद्ध करना होता है कि हानि अबीमाकृत कारण से उत्पन्न नहीं हुई है, वरना हानि अबीमाकृत कारणों के बिना स्वतंत्र रूप से हुई है। सिद्धांत का महत्व, बीमा अनुबंध का क्षेत्र स्पष्ट और पूर्व निर्धारित सीमा तक सीमित रहता है। कोई भी पक्षकार अपनी इच्छा से बीमा के क्षेत्र को घटा बढ़ा नहीं सकता। बीमा अनुबंध के वास्तविक अर्थ और उसके पीछे विद्यमान भावना का अर्थ लगाया जा सकता है। ये सिद्धांत बीमाकर्ता और बीमित दोनों को लाभ पहुँचाता है। इसके अभाव में प्रत्येक दावे को बीमा क्षेत्र के भीतर या बाहर सिद्ध करना संभव नहीं होगा, परिणामस्वरूप दोनों पक्षकार दुविधा में पड़ जाएंगे। इसके साथ ही बीमा के सिद्धांत संपन्न होते हैं। डॉक्टर अनिल कुमार माथुर सह आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग श्री गोविंद सिंह राजकीय महाविद्यालय।